कि आपने यहाँ पर साम्राज्य की गरिमा बनाने के लिए जो आपने अपना साहस दिखाया है, अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करके यहाँ पर आए, अपना घर परिवार छोड़ के उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी और हरिवा ऑल इंडिया की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मेरे से पहले साहब ने मेरी खासी हमारे डिपार्टमेंट में लाए साहब ने आपको बता दिया है असम में क्या है क्या नहीं है कैसा था। अगर बातचीत करके यहाँ पर हरिवा स्टेट में बनाने के लिए जो बात कही थी वो आज यहाँ पर साकार होने जा रही है उनके वजह से। तो उन्होंने यहाँ पर स्टेट यूनिट के तौर पर अपने मेंबर जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ट्रेजर वगैरह जो भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनके बारे में बता दिया है। तो मैं साहब से अनुरोध करूँगा कि जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी तो अरेवा ऑल इंडिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ अपने हाथ से उनको पहनाए और उनसे अपील करूँगा कि वो सहयोग उसको स्वीकार करें और असम एचआरबीसी एजुकेशन के लिए विश्वास भाव से काम करें और पूरी ईमानदारी से लगन से। अभी हॉलर कमल कुमार राय ने कुछ पॉइंट रेज किया था मेरे ख्याल से कि ये जब जो भी प्रॉब्लम वो बता रहे हैं उनका सोल्यूशन एक ही है, जब हम आर्मी में जाएंगे नहीं आएंगे कब क्या करता होता है उसको याद करना पड़ेगा। बाकी अफवाह जो रूमर बोलते हैं कि कभी आईटीबीटी में कभी कोस्ट गार्ड में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, उसमें क्या है कि अखबार वाले अपने तरफ से कुछ सुनता है उसको लिख देते हैं, उसके ऊपर नहीं जाना। अभी कल परसों भी कोई पेपर में निकला था कि ये असम राइफल को पुलिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप में मेरे को मिला था। ये सब अफवाह है, जब तक फैसला नहीं होता कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता। तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, तकलीफ है तो आपको बोलना चाहिए। अगर फैसिलिटी आपको लेने के लिए फिर हमको कैपिटल में आना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर आप शिलोंग में हैं, शिलोंग में तो दो जगह में है लेकिन आप पूरा में आए कहीं हैं तो उसके बाद आपको अगर कोई आदमी बीमार होता है उसको दौड़ के भी यहाँ आना पड़ेगा, मैं बीमार हूँ यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आऊँगा, तो जो पॉसिबल नहीं है वो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी अच्छे तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट में भी उसका फैसिलिटी है, मतलब आपके गाँव के नज़दीक में नज़दीक जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाके आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। लेकिन PCHS में लेने से पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका जो मंथली मेडिकल अलाउंस मिलता है उसको फॉरगो करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप सभी को जिसको मिलता होगा 1000 मिलता है ट्रेन यात्री वो आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको DGR की चिट्ठी लिखना पड़ेगा जिससे कि आपको वो कट जाए। कटने के बाद फिर आपको PCHS में अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन करने के बाद फिर आपको वो कार्ड इशू करेंगे जिसके बाद आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके साथ ही हमको वन टाइम एक पेमेंट देना पड़ता है, सब आपको सबको मालूम होगा वो पेमेंट होगा आपका एक JCS और NCS के लिए, सॉरी NCS और ORS के लिए 30,000 एक बार के लिए देना पड़ेगा आजीवन, और उसको JCS के लिए 67,000 और ऑफिसर साहबान अगर है तो उनको 1,20,000 देना पड़ेगा जब तक वो है। लेकिन उसके लिए आपको अपना जो 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है उसको छोड़ने की जरूरत है, वो आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर साम्राज्य की गरिमा बनाने के लिए जो आपने अपना साहस दिखाया है, अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करके यहाँ पर आए, अपना घर परिवार छोड़ के लिए उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी और हरिवा ऑल इंडिया की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मेरे से पहले साहब ने मेरी खासी हमारे डिपार्टमेंट में लाए साहब ने आपको बता दिया है असम राइफल में क्या है क्या नहीं है कैसा था। अगर बातचीत करके यहाँ पर अरेवा स्टेट में बनाने के लिए जो बात कही थी वो आज यहाँ पर साकार होने जा रही है उनके वजह से। तो
तो उन्होंने यहाँ पर स्टेट यूनिट के तौर पर अपने मेंबर जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर वगैरह जो भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनके बारे में बता दिया है। तो मैं साफ से अनुरोध करूँगा कि जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को तो अनिवा ऑल इंडिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ अपने हाथ से उनको पहनाए और उनसे अपील करूँगा कि वह शायद उसको स्वीकार करें और एजुकेशन के लिए विश्वास भाव से काम करें और पूरी ईमानदारी से लगन से अभी हॉलर कमल कुमार राय ने कुछ पॉइंट रेज किया था मेरे ख्याल से कि ये जब जो भी प्रॉब्लम वो बता रहे हैं उनका सोल्यूशन ये किया जब हम आर्मी में जाएंगे नहीं आएंगे कब क्या फैसला होता है उसके बाकी अफवाह जो रूमर बोलते हैं कि कभी आईटीबीपी में कभी कोस्ट गार्ड में बहुत कुछ सुनने को मिलता है उसमें क्या है कि अखबार वाले अपने तरफ से कुछ सुनता है उसको लिख देते हैं उसके ऊपर नहीं जाना। अभी कल परसों भी कोई पेपर में निकला था कि ये असम राइफल को पुलिस में कन्वर्ट कर रहे हैं देखा से व्हाट्सएप में मेरे को मिला था ये सब अफवाह है। जब तक फैसला नहीं होता कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। तकलीफ है तो आपको बोलना चाहिए अगर फैसिलिटी हमको लेने के लिए फिर हमको कैपिटल में आना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर आप शिलोंग में हैं शिलोंग में तो दो जगह में हैं लेकिन आप पूरा में आए कहीं हैं तो उसके बाद आपको अगर कोई आदमी बीमार होता है उसको दौड़ के फिर यहाँ आना पड़ेगा मैं बीमार हूँ यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आऊँगा तो जो पॉसिबल नहीं है वो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी अच्छे से काफ़ी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट में भी उसका फैसिलिटी है मतलब आपके गाँव के नज़दीक नज़दीक जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाके आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। लेकिन PCHS में लेने से पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका जो मंथली मेडिकल अलाउंस मिलता है उसको फॉरगो करना पड़ेगा मतलब उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप सभी को जिसको मिलता होगा एक हज़ार मिलता है कहीं सभी को वो आपको छोड़ना पड़ेगा उसके लिए आपको DGR की चिट्ठी लिखना पड़ेगा जिससे कि आपको वो कट जाएगा। कटने के बाद फिर आपको PCHS में अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन करने के बाद फिर आप लोग को कार्ड इशू करेंगे जिसके बाद आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके साथ ही हमको वन टाइम एक पेमेंट देना पड़ता है सब आपको सबको मालूम होगा वो पेमेंट होगा आपका एक HCS और NCS के लिए सॉरी NCS और ORs के लिए 30,000 एक बार के लिए देना पड़ेगा आजीवन और उसको JCS के लिए 67,000 और ऑफिसर साहबान अगर है तो उनको 1,20,000 देना पड़ेगा जब तक वो है। लेकिन उसके लिए आपको अपना जो 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है उसको छोड़ने की जरूरत है वो आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा।